नमस्कार किसान भाइयों, देसी मुर्गी पालन में आप सभी का स्वागत है। आज हम देसी मुर्गियों के लिए होममेड फिनिशर फीड किस तरह बनाना है इसके ऊपर बातचीत करेंगे। होममेड फीड हमें इसलिए बनाना है ताकि देसी मुर्गी पालन में जो फीड का खर्च होता है, जब रेडीमेड फीड लेते हैं तो उस पर बहुत सारा हमारा खर्च हो जाता है, तो यह खर्च हमें करना है तो हमें अपने घर पर ही फीड बनाना होगा। और घर पर फीड बनाना भी काफ़ी ईजी है, काफ़ी सारे इन्ग्रीडियंट जो है हमें हमारे आसपास ही मिलते हैं, तो ये इन्ग्रीडियंट प्रॉपरली मिक्स करके लेने हैं और हमें अलग से बाहर से मिनरल मिक्सचर लगता है जो कि मार्केट से परचेस करना होता है। तो जिन किसान भाइयों को मिनरल मिक्सचर चाहिए वो हमें कमेंट में बता सकते हैं, तो हमें एक हम अच्छे क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर जो है हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि क्या क्या इन्ग्रीडियंट हमें फिनिशर फीड बनाने के लिए लगने वाले हैं। तकरीबन 7-8 इन्ग्रीडियंट हमें फिनिशर फीड बनाने के लिए लगते हैं। इसमें सबसे पहला जो इन्ग्रीडियंट है वह मक्का मेज़ रहता है, और मक्का जो है एनर्जी का सोर्स होता है, और इसकी मात्रा जो है हम मात्रा जो है इस तरह देखेंगे कि 100 किलो फीड बनाना है तो हर एक इंग्रेडिएंट हमें कितना केजी लेना है, इस तरह से हम देखेंगे तो आपको इजी रहेगा, तो आप 100-100 के लॉट में फीड बना सकते हैं। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट हमने मक्का बताया है, मेज़ बताया है, तो मेज़ जो है हमें तकरीबन 34 kg मक्का हमें लेना है। उसके बाद दूसरा इंग्रेडिएंट रहता है वह सोया DOC, जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, और सोया DOC यह प्रोटीन का सोर्स रहता है, और सोया DOC की जो मात्रा है यह तकरीबन हमें 27 kg लेनी है, 27 किलो हमें लेना है सोया DOC। उसके बाद आता है राइस ब्रैन, राइस ब्रैन भी इजीली हमारे आसपास जो राइस मिल है वहाँ पे मिलता है, मार्केट में भी मिलता है, राइस ब्रैन की जो मात्रा है यह तकरीबन हमें 20 kg लेनी है, 20 किलो राइस ब्रैन हमें लेना है। इसके बाद बारी आती है व्हीट ब्रैन की, व्हीट ब्रैन हम इसलिए लेते हैं कि हमारे फीड का खर्च कम हो। व्हीट ब्रैन मार्केट में आप देखेंगे तो तकरीबन 5 रुपये kg से मिलता है, और इससे हमारा फीड कॉस्ट जो है वह कम हो जाता है, तो राइस ब्रैन की मात्रा हमें 9 किलो लेनी है। इसके बाद आता है फिश मील, हमारे आसपास फिश मार्केट रहता है तो फिश भी इजीली अवेलेबल होती है। फीड बनाते समय हमें यही ध्यान रखना है कि फिश जो है वह सुखा कर लेनी है, मछली सुखा कर लेनी है, और इसकी मात्रा जो है वह तकरीबन 7 किलो हमें 100 किलो फीड बनाने के लिए 7 किलो फिश मील लेना ज़रूरी है। उसके बाद बारी आती है शेलग्रीट यानी शंख शिंपला नदी में हमें इजीली मिल जाता है, इसके लिए कोई खर्च भी करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट में भी आप बल्क में लेते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में लेता है तो ये कम कीमत में मिलता है, तो यह शंख सिंपला या शेलग्रीट हमें तकरीबन 1 kg लेना है। और अंत में सबसे इम्पोर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है वह होता है मिनरल मिक्सचर, तो मिनरल मिक्सचर की मात्रा हमें 2 kg लेनी है। मिनरल मिक्सचर बहुत बार मार्केट में महंगा मिलता है, तो जिन किसान भाइयों को डायरेक्टली ऑर्डर करना है वह हमें कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर हमें मिनरल मिक्सचर चाहिए, तो हम आपको वह बाय ट्रांसपोर्ट इजीली प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस तरह ये सब इंग्रेडिएंट आप मिक्स करके लेते हैं, तो हमने 100 किलो का यह फीड फार्मूला बताया है, तो आप टोटल सब मिक्स करेंगे तो इसकी मात्रा जो है यह 100 किलो हो जाएगी। तो ये सारे टोटल इंग्रेडिएंट जो है हमें प्रॉपरली मिक्स करके लेने हैं, और पल्वलाइजर या हैमर ग्राइंडर नाम का जो मशीन आता है इससे हमें निकालने हैं। आटे की चक्की है इससे हमें नहीं निकालना है, क्योंकि आटा हो जाता है तो हमारा पोल्ट्री फीड ख़राब हो जाता है, तो पल्वलाइजर में हमें इसे ग्राइंड करना है ताकि हम फिनिशर के दाने के हिसाब से इसको फीड, इसका जो फीड है यह बना सके, तो यह ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इस तरह आप अपने घर पर ही जो है फिनिशर फीड बनाइए, और कम कीमत में यह फीड बनाइए, और अपने देसी मुर्गी पालन का जो खर्च होने वाला है ज़्यादा से ज़्यादा वह आप कम कर सकते हैं इजीली। फिनिशर फीड बनाने के लिए आपको कोई भी परेशानी होती है, दिक्कत आती है, तो आप ज़रूर हमें कमेंट कीजिए, तो जैसे ही आपका मैसेज हमें मिलेगा हम आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं, आप सभी का धन्यवाद।